चलो भाई चलते हैं घर के अंदर। अरे वाह, हाँ लेकिन ये क्या भाई, हमारे गेट पे ही कौन आ चुके? अबे ये तो पॉ पेट्रोल एंड स्कैरी टॉम। भाई ये सारे के सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए, हमारे गेट पे खड़े हुए हैं। हाँ यार पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए, जल्दी चलो नीचे भाई जल्दी चलो। यार पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए, इतने स्कैरी मॉन्स्टर्स, पॉ पेट्रोल एंड भाई वो दूसरा कौन था? भाई वो टॉम थी। हाँ वो टॉम, पता नहीं कहाँ से आ गए भाई, हमें इन्हें चेक करना पड़ेगा। हाँ रुको मैं चेक करता हूँ ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। भाई मैंने कैमरे में चेक कर रहा हूँ बाहर। हाँ ये क्या, यहाँ तो लूनार मून भी है, स्कैरी लूनार मून के साथ पेपा पिग एंड ये कौन कौन है, सोनिक एंड ये पॉ पेट्रोल। इतने सारे मॉब एक साथ क्या कर रहे हैं हमारे विलेज के अंदर, लेकिन आखिर ये लोग विलेज में क्यों आए हैं? भाई मुझे लग रहा है इन लोगों को भूख लगी है एंड ये लोग क्या कर रहे हैं। ओबे मैं समझ चुका हूँ, इन लोगों ने डोरबेल बजा दी है एंड ब्लेजर प्लीज नो, बाहर मत आ भाई प्लीज। अरे मत आ भाई ब्लेजर, बाहर मत आ भाई। अबे नो शिट। हाँ भाई तूने देखा, वहाँ पे लूनार मून भी था एंड बहुत सारे मॉब थे। अबे ये क्या, ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए? नो ओ शिट यार, ये मैं कहाँ पर हूँ? हाँ व्हाट, ये मैं कहाँ पर हूँ? शिट मैन, मैं तो एक जेल के अंदर बंद हो चुका हूँ। लूनार मून और बाकी सबने मिलकर हमें जेल के अंदर बंद कर दिया है। भाई होश में आ फटाफट होश में आ, ये देख हम लोग कहाँ पर बंद हो चुके हैं। हाँ हम लोग कहाँ पे हैं भाई, ये तो एक प्रिजन लग रहा है। एंड ये लोग कौन है? हाँ ये तो वही लोग है जिन्होंने हमें यहाँ पर बंद करा है, पेपा पिग एंड पॉ पेट्रोल। लेकिन भाई हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? भाई मुझे नहीं पता हम लोग यहाँ पे कैसे निकलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ब्रो, वो भी शांति से। अगर हम लोगों ने शोर मचाया ना बिल्कुल भी, तो ये लूनार मून हमें खा जाएगा। एंड सामने एक रास्ता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है। हाँ भाई क्योंकि बीच में जाल लगे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, वरना हम लोग यहाँ पर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ यार हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है जिससे कि हम लोग बाहर निकल पाए? प्लीज कोई हेल्प करो हमारी। हाँ भाई तू क्या कर रहा है ये? भाई लीवर का यूज क्या है, इसे फालतू में मत कर भाई, फालतू में करने से क्या पता कोई दिक्कत हो जाए। नहीं भाई दिक्कत नहीं होगी, तभी तो मैं इन्हें दबा रहा हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए। भाई चल तू भी दबा दे मेरे साथ, यहाँ पर तीन तीन लीवर्स लगे हुए हैं। भाई मैं नहीं करूँगा, तू ही करिए फालतू के काम। भाई मैं फालतू की चीज नहीं करता हूँ, लेकिन लूनार मून से मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई वो देखो सामने खड़ा, ये क्या है? हाँ ये क्या है? अरे वाह भाई ये देख, यहाँ पर तो डोर मिल गया हमें। भाई अभी ये देख भाई, हमें मिल गया डोर। भाई खुशी मना भाई मत कर। अरे छोड़ भाई ये देख, क्या हो गया भाई तुझे? हाँ भाई ये कैसे हुआ? अरे वाह भाई ये डोर खुल गया, तो चलो भागो यहाँ से जल्दी जल्दी भागो भाई, जल्दी जल्दी घर के अंदर, जल्दी घर के अंदर चलो जल्दी, लेट्स गो लेट्स गो। आजा भाई आजा, क्या कर रहा है? फटाफटा फटाफटा जल्दी मजे करेंगे। अरे वाह हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं फाइनली गाइस एंड चलो। हाँ वेट, ओ नो अबे ये लोग कहाँ से आ गए? लूनार मून, ओ शिट भाई मारो इन्हें। अरे भाई भागो यहाँ से यार, ये लोग मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? ओ शिट गाइस, ये लोग मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? मैं तो अपने घर के अंदर अपने भाई के साथ आया था, फिर ये लोग मेरे घर के अंदर कैसे आ सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे घर के अंदर, लेकिन यार ये लोग कब आए? लेकिन गाइस एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ, मेरा भाई कहाँ पर गया? अबे हाँ मैं वही तो सोच रहा हूँ कि मेरा भाई मेरे घर से गायब कैसे हो गया। मुझे लगता है कि लूनार मून ने और बाकी सारे मॉब ने मिलकर मेरे भाई को कर लिया है किडनैप एंड पता नहीं उसे कहाँ पे ले जाके उन्होंने रखा होगा। मतलब वो सारे के सारे लूनार मून नीचे हैं,
तो मुझे लगता है मेरा भाई भी नीचे ही होगा, मेरे घर के नीचे। मुझे अपने कैमरे के अंदर चेक करना पड़ेगा कि मेरा भाई नीचे है या फिर नहीं। लेट्स गो। हाँ, ये क्या, मैंने कहा था ना मेरा भाई नीचे होगा, ये रहा मेरा भाई। लेकिन इसको तो एक बहुत बड़े लूनार मून और बाकी सारे मॉब ने मिलकर इसको यहाँ पे बंदी बना लिया है। बेचारा बहुत ही परेशान है वहाँ पे। लेकिन गाइस, आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं अपने भाई को कैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊँ। फिर मैं अपने भाई को कैसे बचाऊँगा? लेकिन वेट अ सेकंड ब्रो, आई हैव ए आइडिया। आहा, मजा आने वाला है गाइस, बात सुनो मेरी। मेरे पास एक ड्रिल मशीन है, एंड ड्रिल मशीन से पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं जमीन के अंदर खोद के जाने वाला हूँ अपने भाई के घर में, क्योंकि उसको बचाने के लिए। लेट्स गो गाइस। मुझे पता है ये रास्ता बहुत ही बड़ा और लंबा होने वाला है, लेकिन तो क्या हुआ, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने भाई को बचाकर ही मानूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सो लेट्स गो। आज मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद। हाँ, ये लावा कहाँ से आ गया भाई? भाई ये लावा मेरे बीच में बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, इसे यहाँ से हटाओ फटाफट से। लेट्स गो। ओके, तो एक बार फिर से शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, ये काम बहुत ही लंबा होने वाला है, मुझे अपने भाई के घर तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो मैं जाता हूँ फटाफट काम करते करते। अरे वाह दोस्तों, ये देखो, मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ अपने भाई के घर में उसको बचाने के लिए। हेलो भाई, मैं तुझे बचाने के लिए आ चुका हूँ फाइनली। भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे को यहाँ से भगाकर बहुत दूर ले जाऊँगा, एंड फिर हमारे पास ये मॉन्स्टर लूनार मून कभी नहीं आएंगे भाई। अरे वाह भाई, तू आ गया। अरे वाह भाई, तू फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गया, थैंक यू भाई। चल भाई, यहाँ से फटाफट निकलते हैं, वरना वो लोग आ जाएंगे हम पे अटैक करने के लिए। जल्दी चल भाई यहाँ से। लेट्स गो भाई, जल्दी भाग, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी भाग भाई। मुझे पता नहीं डर क्यों लग रहा है, कोई आने वाला है क्या? कौन है ये? अबे भाई, ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अरे भाई जल्दी भाग, लूनार मून और बहुत सारे मॉब आ चुके हैं। हाँ भाई, ये सच में आ चुके हैं। ओ माय गॉड, प्लीज पीछे छोड़ दो हमारा, प्लीज। ओ शिट भाई, सारे के सारे हमारे पीछे पड़ चुके हैं। तुम लोग आज नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम लोग आज नहीं बचोगे। अबे कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। रुक जाओ तुम दोनों, रुक जाओ, घर के अंदर मत जाओ, गेट खोलो, जल्दी गेट खोल, मैं तुझे खाना चाहता हूँ, जल्दी गेट खोल, जल्दी। मैं नहीं खोलूंगा गेट, तू मेरा क्या कर लेगा लूनार मून? मैं गेट नहीं खोलूंगा। तूने क्या मेरे को पागल समझ के रखा हुआ है कि मैं गेट खोल दूं और तू मेरे को खा जाए? नहीं, मैं गेट कभी नहीं खोलूंगा। हाँ भाई, हम लोग गेट कभी नहीं खोलेंगे, एंड हम लोगों ने गेट खोला, ये सारे के सारे हमें खा जाएंगे मिलके। लेकिन ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं भाई? पता नहीं ये लोग कब जाएंगे भाई, इन लोगों ने तो मुझे परेशान ही कर लिया है, मैं तो पागल ही हो चुका हूँ भाई। ये लूनार मून से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। हाँ भाई। अबे यार, इतनी देर हो चुकी है लेकिन ये लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? पता नहीं ये लोग यहाँ से कब जाएंगे भाई। यार लूनार मून, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। हाँ प्लीज चले जाओ। हाँ भाई, ये क्या हो रहा है, ये लोग तो जा रहे हैं। तुम लोग ये मत समझना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कुछ देर के लिए, अपनी पावर्स को डबल करने के लिए मैं जरूर आऊंगा बाद में। भाई लूनार मून बोल रहा है कि वो दोबारा फिर से आएगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात है कि वो दोबारा वापस आएगा हमें मारने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? वाओ, लेकिन मेरा भाई अभी तक सो के नहीं उठा है। अभी उठ भाई, अभी उठ जा ब्रो, बहुत देर हो गई है। अबे सोने दे यार, अभी थोड़ी देर में उठ जाऊंगा मैं, अभी सोने दे मुझे।
अबे पगले, दिन हो गया है, अपने को काम पे भी जाना है। ओके यार, उठ चुका हूँ यार। काम पे क्या, क्या काम करने के जाना है हम लोगों को? अबे काम पे नहीं, मतलब हमारी जो मॉम है वो जा रही है घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए, तो आज हम अकेले रहेंगे। ओके मॉम, आप जा रही हो क्या? हाँ बेटा, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तू घर का ख्याल रखना ठीक है, और तुम दोनों भाई साथ में रहना, कोई भी शैतानी मत करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना ठीक है। ओके मैं जाती हूँ, बाय बाय, अपना ख्याल रखना बच्चों। ठीक है मम्मी। ओके मॉम आप जाओ, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय। सो गाइस, हमारी मॉम चली गई कुछ दिनों के लिए और मैं और मेरा भाई घर पे अकेले हैं। भाई तेरे पास गेम है ना भयंकर वाला, चल लैपटॉप में गेम खेलते हैं। ये भाई पूरे दिन गेम खेलेंगे आज हम लोग, मम्मी तो है नहीं घर पे, सो हम लोग पूरे दिन गेम खेलने वाले हैं भाई, फुल मस्ती होगी आज भाई, पूरी फुल मस्ती करेंगे। बट उससे पहले कुछ खा लेते हैं, देखते हैं मम्मी ने हमारे लिए केक वेक रखा है नहीं रखा है। अबे यार चेस्ट में तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, और मैं अभी अभी उठा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। रुक मैं चेक करता हूँ कुछ खाने के लिए। ओ है भाई, है खाने के लिए, पोटैटो है, ये तो ये खा ले, मैं भी खाता हूँ पोटैटो, और मुझे बहुत इस भूख भी लग रही है। चलो खाना खाते हैं और चलो गेम खेलते हैं, फटाफट गेम में आ जा भाई। चल ब्रो माइनक्राफ्ट खेलते हैं हम दोनों मिलके। ओके ब्रो चलो माइनक्राफ्ट खेलते हैं, माइनक्राफ्ट के अंदर। व्हाट, माइनक्राफ्ट खेलते हैं? हाँ खेल सकते हैं माइनक्राफ्ट लैपटॉप के अंदर। सो भाई चल, ये तो ये पहले एक खा ले, चल पहले खाते हैं उसके बाद खेलेंगे ठीक है। भाई यार जो खाने का मजा है ना वो अलग ही है, मतलब गेम खेलते हुए खाना खाओ कितना मजा आता ना भाई। हाँ भाई अभी तो हम लोगों ने गेम स्टार्ट भी नहीं करा है। ये ले तू मेरा वाला खा भाई, तू खा आराम से। अबे तू मेरा वाला खा भाई, तू मेरा वाला खा। अबे इतनी देर से हम लोग यही ड्रामा कर रहे हैं। भाई सुन ना, मेरे को कुछ याद आ रहा है, हमारी मॉम के रूम में एक केक रखा हुआ है बड़ा सा, चल खाते हैं चल के उसको। क्या बात कर रहा है, केक रखा है मम्मा के रूम में, चल लेट्स गो खाते हैं केक। ओ चलो भाई, तू मजाक कर रहा है क्या, कहाँ यहाँ पे केक? हे भाई तू कितना बड़ा भुक्कड़ है भाई, खाने के नाम पे सीधा भागा चला आया भाई, भुक्कड़ है तू यार, तू पिटेगा भाई, ऐसे काम मत कर। एनीवे यहाँ पर देख ये क्या है। अबे चलो करते हैं एर्चरी यार, वाओ वो निकाला मैंने, इसके ऊपर फायर करते हैं। ओ वाओ भाई कितना परफेक्ट शॉट पड़ रहा है मेरा, मतलब मैं तो हर गेम में भाई किंग हूँ किंग। चलो अब चलते हैं नीचे और फिर गेम खेलते चल के। चलो भाई हम लोग आराम से गेम खेलते हैं माइनक्राफ्ट बैठकर। चलो ब्रो लेट्स गो, लेट्स ओपन इट। ओके बहुत ही मजा आने वाला ब्रो, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा भाई, लगता है मॉम ने इसका बैटरी निकाल ली क्या। नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है यार। बे यार हमारी किस्मत ही खराब है, चलो बाहर चलते हैं। वेट वो देख, हमें कोई वहां से देख रहा है, वो कौन है? कौन देख रहा है भाई, रुक जा मुझे देखने दे। ओ भाई ये कौन है, इसकी येलो आंखें हैं, मुझे लग रहा है कहीं ये लूनार मून तो नहीं है। लूनार मून भाई वो तो ऊपर होता है ना, वो नीचे क्या करेगा, ये कोई और है, लूनार मून है भाई, कौन है ये? यार मुझे ये लूनार मून लग रहा है क्योंकि इसकी आंखें बहुत ही डरावनी है। वैसे मून तो आसमान में होता है, फिर ये जमीन पे कैसे आ गया? मुझे लगता है भाई हम लोग बहुत बड़े खतरे में है, हमें कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ सोच, अपनी विंडो को बंद कर दे। मुझे लगता है कि रात के अंदर वो हमारे घर में ना घुसा है यार, कुछ करना पड़ेगा भाई, सारी विंडो को ब्लॉक करना पड़ेगा हमें। ओ देखो वो वहीं पे खड़ा हुआ है वो, भाई मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ भाई वो रात में आ सकता है, इसलिए हमें पूरे घर को सिक्योर करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, वरना भाई वो देखो उसको पता लग चुका है कि हमारी मम्मी घर से बाहर चली गई है, तो वो हम पे अटैक कर सकता है यार। हाँ यार उसने मतलब मौका देखा, उसने जब देखा कि हमारी मम्मी घर पे नहीं है तो वो सीधे यहाँ पे आ गया, और भाई अब हम लोग अकेले बच्चे घर में है तो वो हमको मारने की सोच रहा है। लेकिन भाई मैं उसके हाथों से मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है उससे, क्योंकि मैंने कभी मून से फाइट नहीं करी है गाइस, और ये मून बहुत ही खतरनाक होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ उसके बारे में। सो गाइस वीडियो पूरा एंड तक वॉच करते रहो, एंड देखते रहो कि क्या हम लोग इस मून से बच पाएंगे या फिर नहीं। सो भाई अब क्या करें, देख मैंने सारी विंडो को ब्लॉक कर दिया है, यहाँ ब्लॉक करते हैं पूरी विंडो को ताकि ये कोई मेरे को बाहर से अंदर की तरफ कुछ देख ना पाए। ओके तो सारी विंडो ब्लॉक हो चुकी हैं, सिर्फ एक विंडो बची है सामने वाली, इसको भी ब्लॉक करते हैं। ओके तू ब्लॉक कर दे फटाफट से। चल भाई सारी की सारी विंडो ब्लॉक हो चुकी हैं, अब लूनार मून कहीं से भी नहीं आ पाएगा। भाई मैंने सुना है कि लूनार मून फायर भी फेंकता है अपने मुंह से ऊपर जाकर। हाँ भाई वो सच है, वो हाँ जब वो आसमान में होता है तब वो फायर फेंकता है, लेकिन अभी वो ज़मीन पे है तो मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं है इस टाइम। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने ये सब कुछ तो पूरा कर लिया है विंडो पे, लेकिन भाई रात होने से पहले ना मैं
ओ वेट, ये देख, ये हमारी एक बेसमेंट है जहाँ पे हम लोग कुछ ट्रैप बनाने वाले हैं। मतलब भाई ये कोई ट्रैप नहीं होने वाला, यहाँ से मैं खड़े होके उस मून को देख सकता हूँ कि बाहर वो है या फिर नहीं, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं, आई थिंक कुछ भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं इसको यहाँ से देख के उस मून को मार सकता हूँ आराम से इजीली। और अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं इसको अपने बो से मार दूंगा, लेकिन मेरे को इसको सिक्योर करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन ब्रो अभी हमको अपने घर में ना बहुत सारे बिल्ड बनाने पड़ेंगे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो रात के अंदर हमारे घर में घुस आया ना फिर तो भाई हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात में उसकी पावर जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। ओ भाई मैं समझ गया, लेकिन हमारा घर तो पूरी चारों तरफ से बंद है तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। और हम लोग यहाँ से एक ट्रैप भी बना चुके हैं जहाँ से हम लोग उसको मारने वाले हैं, सो भाई वो नहीं आ पाएगा यार, इतना डरने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। अबे पागल, वो आसमान में घूमता है रात में तो वो आसमान से अटैक कर देगा, हमारा पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई, कुछ कह नहीं सकते यार। वो बहुत ही खतरनाक होता है, तूने देखा नहीं क्या उसकी वीडियोस माइनक्राफ्ट की जिसमें लूनार मून होता है? अब रुको भाई, अपने घर में लगाना पड़ेगा कैमरा ताकि हम लोग यहाँ चप्पे चप्पे की खबर रख पाएं। ओके मैंने एक कैमरा यहाँ पे लगा दिया है और एक कैमरा मैं लगाऊंगा आई थिंक यहाँ पर, 1 ओके ये 2 हो गया, एंड हम लोग बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास लगाने वाले हैं, तो चल भाई बाहर चलते हैं। सो गाइस मैं अपने विलेज के सारे घरों के ऊपर कैमरास लगाने वाला हूँ ताकि मेरे को लूनार मून की थोड़ी बहुत खबर मिलती रहे कि आखिर वो कहाँ से कहाँ जा रहा है एंड वो क्या करने वाला है, तो मेरे को सारा कुछ यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, तभी मैं उसको पकड़ पाऊंगा। लेकिन भाई यहाँ पर देख, यहाँ से एक ट्रैप बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरह, वो ऊपर तो खड़ा हुआ है ना एंड मैं यहाँ पर नीचे हूँ, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रखने वाले हैं ताकि उसको लालच आए एंड वो यहाँ पे आके ट्रैप के अंदर फंस जाए, ठीक है ब्रो? हाँ भाई, लेकिन लूनार मून को किस चीज़ से लालच आने वाला है भाई? वो क्या खाता होगा या फिर क्या पहनता होगा भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि भाई वो हमारे वर्ल्ड में पहली बार जो आया है। देख भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये जो एनविल है ना, एनविल, इसको हम लोग को एनविल को ऊपर से नीचे फेंकने का है और नीचे हम लोग रखने वाले हैं बहुत सारा सोना, तो वो सोने की तरफ अट्रैक्ट होगा लेने के लिए उसको, क्योंकि उसको सोना बहुत पसंद होता है एंड सोने को लेने के बाद उसके ऊपर हम लोग गिराएंगे ऊपर से एनविल और फिर वो वहीं पे मर जाएगा। तो कैसा लगा ये ट्रैप भाई? तेरा ट्रैप तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मैंने यहाँ पर सोना रख दिया और तू ऊपर से ऐसे करके एनविल फेंकेगा और वो मर जाएगा। यस ब्रो ये ट्रैप, हाँ ये बहुत ही बढ़िया ट्रैप है और मुझे लगता है ये हमारा ट्रैप काम करने वाला है। लेकिन अगर ये ट्रैप भी काम नहीं करा तो उसके लिए हम कुछ और ट्रैप बाद में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास अभी ये एक ही ट्रैप है, सो इसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अभी रात होने से पहले हमको सब कुछ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर एक बार रात हो गई ना फिर उसका भाई कहर आने वाला है, मतलब वो पता नहीं कौन सी सुनामी लेके हमारे वर्ल्ड में आएगा दोबारा से। आई थिंक वो अभी गायब हो चुका है, तो देखता हूँ। लेकिन भाई वो तो वहीं बैठा हुआ है अभी भी। बे यार ये वेट कर रहा है रात होने का, भाई जैसी रात हो गई अपने आसमान में चला जाएगा मैं मारने के लिए। यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, उसको लग रहा है कि हम लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो उसे देख ले रहे हैं भाई। वो मतलब उस मतलब फसल के पीछे छुपा हुआ है यार, वो मतलब हमको बहुत देर से देख रहा है और मेरे को शक हो रहा है कि कहीं वो हम पे खतरनाक वाला अटैक ना कर दे यार, और कोई ऐसा अटैक ना कर दे जिससे कि भाई हम लोग दोबारा कभी जिंदा ही ना हो पाएं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एक और ट्रैप बना रहा हूँ गाइस, इसको बोलते हैं मशीन गन ट्रैप, एंड इसको बनाने के बाद जो मून अगर ऊपर आ गया ना तो हम लोग उसको अपनी मशीन गन से इजीली मार देंगे। तो यहाँ पे हमको लगानी है मशीन गन, वेट करो एंड यहाँ पे लगाते हैं मशीन गन को गाइस लाइक दिस। ओके लग चुकी है यहाँ पे। अब जैसे ही लूनार मून नीचे से ऊपर आएगा, मतलब बाय चांस अगर वो ऊपर आ भी गया तो उसको हम लोग मशीन गन से मार सकते हैं, तो ये ट्रैप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ओ भाई तू कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है यार, तूने ये ट्रैप बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाया है। और हमारे पास अभी 2 ट्रैप हो चुके हैं, एक है गोल्ड वाला एंड सेकंड मशीन वाला। भाई मुझे लगता है ये दोनों ट्रैप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इन दोनों ट्रैप से लूनार मून पकड़ा जाएगा। गाइस शाम हो चुकी है, इवनिंग हो चुकी है, क्या वो अभी वहीं पे है? देखते हैं अभी भी वहीं पे है क्या वो। ओ ओ माय गॉड, ओबे वो तो हमारी तरफ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। ओबे भाई भाई यार वो इधर ही आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे?
लेकिन भाई अब हम लोगों को ऊपर भागना पड़ेगा जल्दी से, और तू अपने जल्दी सीसीटीवी कैमरे चेक करके वो कर क्या रहा है। भाई वो हमारा घर तोड़ रहा है, ये देख उसने घर तोड़ भी दिया है। ओ भाई वो अंदर की तरफ घुस रहा है, माय गॉड। लेकिन नहीं इसने घर तोड़ा नहीं है अभी, भाई ये तोड़ने की कोशिश कर रहा था अभी। ओ भाई ये घर के बाहर ही घूम रहा है, भाई मैं क्या करूं। लेकिन ये मून आसमान में क्यों नहीं जा रहा है भाई, ये नीचे क्यों है? भाई हमारा घर नीचे है भाई, आसमान में थोड़ी ना है यार, तो वो नीचे ही रहेगा। हम भाई ये देख वो सामने खड़ा है यार, अब हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा वरना ये हमें मार देगा। रुक भाई मैं इसको बो से मारने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मेरे सामने को, वो भाई मेरे को इसके पैर दिखाई दे रहे हैं, लिटरली मेरे सामने ही खड़ा है। ओए मून प्लीज यहाँ से चला जा भाई, यहाँ मत आ। माय गॉड भाई इसके दांत दिख रहे हैं मेरे को। गाइस क्या मैं इसको एक एरो मारूं तो क्या ये एरो से मरेगा, मुझे नहीं पता। ओके मैंने इसके एक एरो मार दिया है और इसने मेरे को देख लिया है भाई। ओ भाई साहब यार मेरे को बहुत डर लग रहा है इससे, भाई मैं इसके एक और एरो मारता हूँ। मैंने इसके एक और एरो मार दिया है मून के, लिटरली फिर भी इसको कोई होश ही नहीं है यार। अबे मून बेटा तू करना क्या चाहता है? अबे मून बेटा जा यहाँ से, अबे हट यहाँ से। भाई यार ये तो भाई हटने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, ये तो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। भाई मुझे लगता है कि वो तुझे देख ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसको पता ही नहीं लग रहा है कि उसको एरो कहाँ से पड़ रहे हैं। ओबे भाई तो इसको मार सकता है भाई, तो उसको ऐसे ही मार दे यार, फिर हमें अपने ट्रैप को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे पगले मैं इसको मारूं कैसे, ये मरता ही कहाँ है? मुझे लगता है इसके 1000 हार्ट्स हैं इसीलिए मरता ही नहीं है, और हम लोग इसको मार भी नहीं सकते भाई, इसके हार्ट्स अनलिमिटेड हैं। अब इसको घर के अंदर आना ही पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ करके। लेकिन मुझे लगता है ना ये कुछ ही देर के अंदर घर के अंदर आने वाला है, क्योंकि रात होते ही इसके अंदर जो पावर्स आने वाली है ना वो हमने कभी सोची नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास हमको अपने ट्रैप को अंजाम देने के लिए इसको घर के अंदर बुलाना पड़ेगा। वो देख वो सामने घर के बाहर खड़ा है एंड मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, और लिटरली वो घर के बाहर खड़ा पड़ा है, वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड रुको कैमरे में देखते हैं। सो ये हमारा कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे और वो अभी तक घर के अंदर नहीं आ पाया है। सो गाइस वो हमारे घर के अंदर आ चुका है, ओ माई गॉड। ओ मेरा भाई कहाँ चला गया पता नहीं, और वो घर के अंदर आ चुका है गाइस, वो एंटर कर चुका घर के अंदर, वो उसने एंट्री मार लिए घर के अंदर भाई मून ने। और ये कितना ज्यादा स्कैरी हॉरर लग रहा है देखने में भाई, और अब ये क्या करना चाह रहा है यार, इसने मेरे लैपटॉप खा लिए क्या पता नहीं यार। और अब ये घर में ऐसे ही घूम रहा है, ये ढूंढ रहा है कि ये हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन हम लोग तो ऊपर हैं, कहीं ये ऊपर ना जाए भाई। और अगर ये ऊपर आ गया, लेकिन इसके लिए हमारे पास ट्रैप है, ओके वहाँ हम लोगों ने सोना लगाया हुआ है, तो अब टाइम आ चुका है इसको नीचे गिराने का। सो चलो एनविल को नीचे गिराते हैं फटाफट से, इसके ऊपर गिराते हैं जल्दी से ताकि ये मर जाए। ओके चलो फेंकते हैं इसको, 1 2 एंड गाइस क्या मैं इसके ऊपर फेंक दूं, टाइम आ चुका है। ओके चलो इसके ऊपर फेंकते हैं गाइस इसको, ओके मैंने फेंक दिया है। वेट इसके कुछ हुआ ही नहीं भाई उससे, भाई इसके कुछ हुआ ही नहीं उस एनविल से भाई, वो जिंदा है। मैंने कहा था ना गाइस आप लोगों से इसके पास अनलिमिटेड हार्ट्स हैं और इसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन और अभी ये ऊपर आ रहा है क्या? आई थिंक ये ऊपर आ रहा है, मुझे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे इसे गन से मारने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी भाई। रुको वेट करो, मेरे को जाना पड़ेगा इस तरफ एंड यहाँ पे मेरे को छुपना पड़ेगा। एंड वेट देखते हैं वो ऊपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। वेट वो बाहर तो नहीं है, वो घर के अंदर, वो देखो सामने ही वो है। वो भाई वो विंडोज मेरे को दिखाई दे रहा है कैमरे के अंदर। गाइस अब मेरे को अपनी मशीन गन से उसको मारने के लिए पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। ओके तो मैं गाइस रेडी हूँ अपनी मशीन गन से उसको मारने के लिए। भाई मून अब तू नहीं बचेगा, मैं तेरे को मार दूंगा मून, अब तू नहीं बचेगा। क्या ये मर चुका है? सो गाइस फाइनली मैंने और मेरे भाई ने इस पकड़ के इसको इसके अंदर बंद कर दिया है। वैसे मैंने इसको बंद किया है, मेरा भाई पता नहीं कहाँ भाग गया था। अबे भाई मेरी चड्डी फट गई थी और मैं बहुत दूर भाग गया था, लेकिन जैसी मुझे खबर मिली कि तूने इसको पकड़ लिया है तो भाई मैं आ चुका हूँ। और भाई ये तो देखो इतना ज्यादा रो रहा है अंदर पड़े पड़े।